के लिए बड़े अफसोस की बात है कि आज कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के 5 पेशेंट हमारे शहर के अंदर मिले, जो एक कमालपुरा के रहने वाले शख्स है, मोमिनपुरा में रहने वाले शख्स है, दूसरे भी मोमिनपुरा में रहने वाले शख्स है, और तीसरी जो हमारी बहन है वो मदीनाबाद में रहने वाली है, और गुलाब पार्क के अंदर रहने वाले हमारे भाई का जो रात में इंतकाल हो चुका, ये पांचों लोग कोरोना वायरस के पेशेंट, उनकी रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव है। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। कई दिनों से पुलिस प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महसूल डिपार्टमेंट, प्रांत ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सभी और सभी सियासी पार्टियां, दीनी तंजीमें मालेगांव शहर की आवाम से अपील कर रही है कि आप लोग अपने घरों में रहो, लेकिन देखने में ये बात आ रही है कि हम लोग बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रास्तों के ऊपर घूम रहे हैं। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी इस बात को आप लोग समझिए कि आज 5 पेशेंट मिले हैं। हमारा मालेगांव शहर बहुत कंजेस्टेड शहर है, बहुत गुंजान आबादी वाला शहर है, और ये ख़तरनाक बीमारी बहुत जल्दी हमारे शहर के अंदर बढ़ सकती है अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं किया। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग घरों में रहे, अपने बच्चों को घरों में रखें, हमारी बहनों को घरों में रखें, और ज़रूरत के मुताबिक घर का कोई एक शख्स जाकर अपनी ज़रूरत का सामान लाकर वापस घर में आ जावे, इसका यही इलाज है, और हम जब भी मुकाबला कर सकते हैं। मैं अपील करता हूं कि आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दें, और कल सबे बारात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको घरों में रहकर इबादत करना है, नमाज पढ़नी है, कब्रिस्तान ना जाए, रास्ते पे ना घूमें। मैं यही अपील आप लोगों से करता हूं।